हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A3X मोबाइल फोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने इस मोबाइल को, अपने इस डिवाइस को अपने फिंगर से अनलॉक कराना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप कैसे कराएंगे, उसके लिए दोस्तों आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए, ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिवाइस अनलॉक, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक स्क्रीन लॉक को सेट कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन लॉक को सेट कर लेंगे। स्क्रीन लॉक को सेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर अपने फिंगर को ऐड करा लेंगे, जो भी फिंगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जिस भी फिंगर से आप अपने फोन को यहाँ पर अनलॉक कराना चाहते हैं, आप उस फिंगर को यहाँ पर इस प्रकार से टच करा लीजिए, मैच करा लीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बार बार उठाना है और टच करना है, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको शो होने स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पर लग चुका है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर कम्प्लीटली लग चुका है। अब दोस्तों आपका फोन इस प्रकार से लॉक होगा, आप अपने फोन की स्क्रीन पर अपने फिंगर को टच कर देंगे तो आपका मोबाइल जो है वो यहाँ से अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से ओप्पो A3X मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।